जिंदाबाद। आप बता सकते हैं सर कैसी लगी मूवी? सोनिया जी ने मनमोहन जी को दबाया, प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक पद को गांधी परिवार की कठपुतली बनाया गया। सोनिया गांधी ने देश के संवैधानिक पद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो आसीन थे उस समय उन्हें किस तरह बार बार दबाया गया और देश के महत्वपूर्ण फैसले पर प्रताड़ित किया। ये कांग्रेस के रीति और नीति को उजागर करने वाली मूवी सच्चाई का सेहरा जनता के सामने आया है। एक बार जिस तरह के से 2019 देश में जनता ने कांग्रेस का जो चेहरा देखा है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कैरेक्टर जो निभाया है अनुपम खेर ने, ऐसा लगा अनुपम खेर जी ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का कैरेक्टर लगा है। मनमोहन सिंह का कैरेक्टर कैसा है? मनमोहन सिंह का कैरेक्टर साफ और स्वच्छ वाला लगता है मुझे देखने के बाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम कार्यकर्ता, आप अगर कैमरा घुमाकर हम देखेंगे, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मूवी देखने पहुँचे थे और ऐसा माना जा रहा है कि गेम चेंजर मूवी 2019 के लिए ये होगी। और आपको बता दें कि काफ़ी कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आधा प्रचार इस मूवी में लगभग हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी का, बीजेपी का माफ़ कीजिएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मूवी गेम चेंजर मूवी हो सकती है 2019 के लिए। ट्रैफिक जाम हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी इंदौर शहर मौजूद है, तमाम लोग आप देख सकते हैं। कैसी लगी सर मूवी आप? बहुत अच्छी मूवी है, इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस की पार्टी की बोल बोली गई है कि किस तरीके से उनके शासनकाल में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही थी। तो 2019 में गेम चेंजर मान सकते हैं? बिल्कुल, इससे गेम चेंज होगा। पूरे भारतवासियों को कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानने को मिलेगी कि किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री को सरकार नहीं चलाने देते, उनकी सरकार चलती है पार्टी कार्यालय से कांग्रेस के कार्यालय। बहुत बढ़िया, अच्छा। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ में हम खड़े हैं और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता अभी मूवी देखकर आ रहे हैं। 2019 के लिए ये मूवी गेम चेंजर मानी जा रही है। जी हाँ, इससे काफी इफेक्ट पड़ सकता है 2019 की राजनीति पर। मनमोहन सिंह एक साफ सुथरे आदमी दिखाई दे रहे हैं इस मूवी में, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस पर दबाव बनाते हैं ऐसा माना जा रहा है। और हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए घमासान। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।